नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। टेंट उकड़ रहे, तंबू निकल रहे और लौट रहा है लंगर का सामान। आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी लेकर अब खेतों में लौट रहा है अपने देश का किसान। जी हां, दुनिया का सबसे लंबा और शांतिपूर्वक आंदोलन कहे जाने वालों में से एक आंदोलन यानी किसान आंदोलन, कृषि आंदोलन अब स्थगित हो चुका है। किसानों ने एक बार वापस अपने घरों का, अपने खेत खलिहानों का रुख करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट आप देखिए। टेंट उखड़ रहे, तंबू निकल रहे और लौट रहा लंगर का सामान। आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी लेकर खेतों को लौट रहा मेरे देश का किसान। पूरा असी जेड़े कम लई आए थे वो साडा फतेह हो गया। सारा जर्दी कला च है तो कठे पार्टी तुरू साडी लिखौंदा ग्रुप दी। जिवें भी कोई होगा साडा जेड़ा फैसला थी हो गया ते अदू बाद जेड़ा होऊ देखी जाऊ। बहुत खुशी वाली गल आ, सानू साल हो गया बैठे नू। जेड़ा ट्रैक्टर है एक साल 12-13 दिन हो गए उदी खड़ा है, एक साल 12-13। बहुत खुशी गल है, जवाकों ने आप जावे, जवाकों लगे जावे। पिंड वाले उड़ीक कर रहे ने भी कदों आउण, कदों असीं जश्न मनाईए। चढ़दी कला जावे, चढ़दी कला जी जितेगा। एक साल से चली आ रही हक की लड़ाई में किसानों की जीत हुई है। बड़ी जीत पर बड़ा जश्न भी लाजमी है। तो आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसानों ने अपनी एकता और गांधीवादी संघर्ष से सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। किसानों ने नए कृषि कानून वापस करवाए, एमएसपी की भी गारंटी ली और किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापसी का वादा भी सरकार से लिया। देश के अन्नदाता को खुशी से झूमते हुए देखिए, देखिए कैसे धूमधाम से विजय यात्रा के साथ किसान अपने घरों को वापस जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि गांव में पहुंचकर सबसे पहले गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। इधर हमने कमरे, लग्जरी कमरे बनाए थे, उनमें एक तो एलईडी और एसी, किसी ने कूलर लगा रखे थे। मतलब जैसे किसी की पहुंच थी वैसे उसने आपका जो कमरा बहुत अच्छा बनाया था उसको हम गांव में लेके जाएंगे और पार्क में रखेंगे, चाहे किसी गुरुद्वारे में रखेंगे। आने वाली जो हमारी पुश्तों है, जो पीढ़ी है, उनको बताएंगे हमने 2021 से ये आंदोलन लड़ा, ये यादगिरी रखेंगे। दुनिया का सबसे लंबा किसान आंदोलन स्थगित हो चुका है। आने वाली पीढ़ियां आंदोलन का ये संघर्ष याद रखेंगी जिसमें 700 किसानों ने अपनी शहादत दी थी। किसानों ने पुलिस की लाठियां खाई, बुजुर्गों ने हाड़ कंपा देने वाली ठंड ने सड़कों पर दिन गुजारे, लेकिन अपना हक नहीं छोड़ा। ये दिखाता है कि देश का किसान जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही मानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे संवाददाता मुकेश मंडल सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं और किसान नेता भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है स्वामी इंद्र आपका। मुकेश, पहले मैं आपके पास आता हूं, वहां की तस्वीर हम देखना चाहेंगे। सबसे पहले क्या कुछ माहौल है इस समय सिंगू बॉर्डर पर? देखिए बिल्कुल, मैं कैमरामैन को कहूंगा आपकी तस्वीरें दिखाई, ये विजय जुलूस यात्रा की तस्वीरें हैं। और जैसा कि किसानों द्वारा कहा गया था कि जब भी हमारी मांगे पूरी हो जाएगी हम विजय जुलूस यात्रा निकालेंगे, और ये विजय जुलूस यात्रा है। और आप देख सकते हैं जुलूस में जो तमाम किसान लोग हैं वो यहाँ पे इसमें भाग ले रहे हैं। और आपको मैं कहूंगा कैमरामैन को दूर की तस्वीरें दिखाएं आपको, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो विजय जुलूस यात्रा है वो किस तरह से जा रहा है। आप देख सकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को भी विजय जुलूस यात्रा में शामिल किया गया है और वो उनको भी लेकर एक खास करके बस जो है वो तैयार की गई है और उसमें वो जा रहे हैं। हालांकि आगे का तस्वीर मैं दिखाऊंगा आपको, कैमरामैन से कहूंगा कि आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाएं। विजय जुलूस यात्रा में आप देख सकते हैं कि हर्ष उल्लास के साथ
खुशी का माहौल है और इसमें तमाम जो किसान हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज इनकी जीत हुई है और जीत सुनिश्चित हो गई है। और यही वजह है कि ये किसान नेता यहाँ से अपने अपने घर को जा रहे हैं और लगातार मैं आपको वीडियो के जरिए दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं तस्वीरें, साफ तस्वीरें हैं जो ये विजय जुलूस यात्रा में, देखिए अब ट्रैक्टर जो ट्रैक्टर का खास ट्रैक्टर का जिक्र हो रहा है वो ट्रैक्टर है विजय जुलूस यात्रा में और ये लगातार जा रहे हैं। सामने का भी मैं आपको बोलूंगा, अपने कैमरामैन को दिखाई आगे का दृश्य आप देख सकते हैं, आगे आगे घुड़सवार भी तैनात किए गए हैं और लगातार जो घुड़सवार है वो अपने कर्तव्य दिखाते हुए जा रहे हैं, मैं वो भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। लेकिन ये जो काफिला है जो विजय जुलूस यात्रा के दौरान निकाली गई है ये काफी लंबा और देख सकते हैं ऐसे में जो तमाम जो किसान है, हालांकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी इसमें शामिल है और गुरनाम सिंह चढ़ूनी से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अब धरने से हम यहां से चले जाएंगे लेकिन जो मांगे हैं वो सरकार मान ली गई है, लेकिन जब तक हमसे लिखित में नहीं मिलता है तब तक हमारा जो बैठकों का दौर है वो लगातार जारी रहेगा। देख सकते हैं घुड़सवार को देख सकते हैं कर्तव्य दिखाते हुए यहाँ पे तमाम वो घुड़सवार यहाँ पे मौजूद हैं जो कर्तव्य दिखाते हैं। पहले दिन की तस्वीरें आपको याद आ गई होगी जब ये सिंधु बॉर्डर पे आ रहे थे और अपने अपने वाहनों में घोड़ों पे सवार होकर आ रहे थे और आज का दिन लगभग एक साल से ज्यादा का वक्त बीत गया और ऐसे में तमाम किसान जो है वो खुश है, वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं बहुत बड़ी यहाँ पे यात्रा निकाली गई है विजय यात्रा, और आप इस विजय यात्रा के जरिए समझिए कि किस तरह से जो तस्वीरें हैं, किस तरह से जो यहाँ का माहौल है वो होगा। ऐसा मानिए जैसे कि एक मेला लगा हुआ है और मेले में तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं, हालांकि मिठाई खिला के एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे हैं और लगातार आप देख सकते हैं, देखिए ये इस तरह से जो यहाँ पे घुड़सवार जो है वो कैसे घुड़सवार कर्तव्य दिखा रहे हैं। और मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जो आज का दिन है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तमाम जो किसान है वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, लेकिन घर जाने से पहले जैसा कि उन्होंने पहले कहा था कि विजय निकाली जाएगी हाईवे की तस्वीरें और वो तस्वीरें क्या ये उसी मेन हाईवे की तस्वीरें हैं? ये वही मेन नेशनल हाईवे है जहां पर किसानों के टेंट्स लगे हुए थे। देखिए बिल्कुल ये जो देख रहे हैं ये मेन हाईवे है, सोनीपत से होते हुए पानीपत वाला रास्ता है जहां पे किसान जो है लगातार धरने पे बैठे हुए थे और जो यहां पे जो तंबू है उनका वो उन्होंने उखाड़ लिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तस्वीरें आपको देखने को मिल रही होगी, अलग अलग चीजें आप देखिए यहाँ पे फूलों की वर्षा की जा रही है, फूलों की वर्षा की जा रही है लोगों द्वारा जो किसान है उनके द्वारा। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो किसान है उसमें उत्साह है, किस तरह से किसान खुश है, क्योंकि ये एक जंग जो लगातार एक साल से ज्यादा का समय हो गया जारी था वो आज खत्म हो गया। वो तमाम किसान जो यहाँ पे धरने में बैठे थे वो अपने अपने घर को जा रहे हैं, लेकिन घर जाने से पहले विजय जुलूस यात्रा निकाल रहे हैं। और जो जुलूस की तस्वीरें आपको दिखा दूं, मैं अपना कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरें आपको दिखाए, और तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो तमाम किसान है वो कितना खुश है यहाँ पे, और लगातार वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप यहाँ पे देखिए, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ी ऊंचाई से आपको तस्वीरें दिखाए, और लगातार आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ की, ये तमाम वो तस्वीरें हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किसान नेता मौजूद है, यहाँ पे जो तंबू है उनको गया, ये लोग अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं। दिखाए हालांकि आप देख सकते हैं विजय जुलूस यात्रा की तस्वीरें वो सामने की बात करें हम, देखिए कुछ किसान नेता यहाँ मौजूद है। आप लोग घर जा रहे हैं आज? हाँ, आज हम बहुत खुशी घर में जा रहे हैं। कितने खुश हैं, कितने दिन का? बहुत खुश हैं, आज तक जिंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं मिला जितनी आज खुशी है हमको। आपको लग रहा था सरकार आपकी बात मान लेगी और ऐसा दिन आएगा कि आप अपने घर को चले जाएंगे? हाँ बिल्कुल लग रहा था, लग रहा था कि और कुछ दिन बैठना पड़ेगा आप लोग? नहीं, हमको आज से ही हमको ऐसा बैठने में कोई दिक्कत नहीं था, हम चाहते थे जितनी भी जल्दी हो जाए अच्छा है, उसी जे थोड़ा लेट भी होता था कोई बात नहीं, हमारे पास राशन पूरा पड़ा। सरकार को भी धन्यवाद देंगे? बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, जिसने सभी बातें मान ली ते हम उसका बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। देखिए तो सरकार से भी इनको बैर नहीं है, सरकार को भी धन्यवाद कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं वो सरकार ने मान ली है। और यही वजह है कि आज विजय जुलूस यात्रा के साथ जो यहाँ का काफिला है वो रवाना हो रहा है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारा काफिला है, जो इनका किसानों का काफिला है हमारे बीच से गुजरता हुआ जा रहा है। आप देखिए तस्वीरें, एक दूसरे को सम्मान भी कर रहे हैं, आप सम्मानित कर रहे हैं एक दूसरे।
को, और ये किसान एकता जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है कि तमाम जो किसान संगठन है वो संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत तमाम जो किसान के लोग हैं, वो किसान नेता हैं, वो शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी, अलग अलग झांकियां नजर आ रही होगी। तमाम जो किसान हैं, बाइक की बात करें हम, गाड़ियों की बात करें, ट्रैक्टर की बात करें, ट्रॉलियों की बात करें, आप देखिए किस तरह से ये जुलूस यहाँ से निकाला जा रहा है। तमाम वो किसान वर्ग, तमाम वो लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, वो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने शायद इससे पहले इस तरह का नजारा नहीं देखा होगा, क्योंकि आमतौर पर ये जो सड़कें थी वो लगभग पूरा ब्लॉक कर दिया गया था। यहाँ पे टेंट लगाए गए थे, तंबू लगाए गए थे, पक्का मकान बनाया गया था यहाँ पे, लेकिन जैसे ही सरकार इनकी बात मानती है ये अपने घर को लौट के जा रहे हैं, और ये खुश हैं, काफी खुश हैं, उत्साह दिख सकता है आपको। सब तमाम जो तस्वीरें के जरिए आप देख सकते हैं कि कितने ये खुश हैं, तमाम जो लोग हैं ये कितने खुश हैं, और ये अपने घर की तरफ जा रहे हैं। पाजी घर जा रहे हो आज? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। किसान हैं जो अपने घर को जा रहे हैं, लंबा इंतजार करना पड़ा आपको? देखो जी, ये साड़ी एक साल दी तपस्या सी, भी जड़ी तपस्या वो काल पुरख ने साड़ी सिरे चढ़ी के असी आज जंग जित के वापस अपने वतना नू जा रहे हैं। असी उस सरकार का भी शुक्रिया करते हैं कि तू जड़ी छेती मन गया कि जिदा असी कहने 24 तक भी ना किते असी डटे रहांगे। चलो उस सरकार का भी धन्यवाद आ कि उन्हें किसानों की जी भी वह देखे कि किसान डटे हुए हैं, इन्होंने वापसी नहीं जाना जो तक कानून नहीं रद्द होंगे, इस करके वो सरकार काफी उत्साह नजर आ रहा। तो बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली की संगत का, हरियाणा की संगत का, सारे का धन्यवाद करते कि एक साल साढ़े नालों ने बहुत बढ़िया भाईचारा बनाया। देखिए बिल्कुल, ये तमाम किसान नेता हैं जो लगातार सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, आपस में खुशियां मना रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब की बात हम कर रहे थे, आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं, ये गुरु ग्रंथ साहिब है जिसको यहाँ से ले जाया जा रहा है। इन झांकी में जो विजय जुलूस यात्रा निकाली गई है उसमें शामिल किया गया है। तो तमाम जो किसान है वो अब घर जा रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, फतेह करके, दिल्ली को फतेह करके अब हम खुशी खुशी जा रहे हैं। तो ये मन में थोड़ा जो ना उदासी भी है, उदासी भी है। आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, एक साल होने को हो गया, एक साल से ज्यादा का समय आप लोगों ने यहाँ बताया। बहुत खुशी से जा रहे हैं, हाँ, बहुत यहाँ के जो लोग थे उनसे बहुत ज्यादा प्यार मिला, उसका बहुत धन्यवाद। हरियाणा पंजाब भाई है, बड़ा भाई छोटा भाई, तो ये भाई, जो कहानी है वो भाई का जो प्यार है, ठीक है मुकेश, वो यहाँ पे देखने मैं वापस आता हूँ, कह रहे हैं धन्यवाद कर रहे हैं यहाँ पे, मैं वापस आता हूँ आपके पास। स्वामी इंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी इंद्र जी बहुत स्वागत आपका, मुंह मीठा किया सर या नहीं किया आज? शुभकामनाएं, जिस दिन का दिन इंतजार था, नमस्कार, आखिर आ ही गया वो दिन। केशव जी, इतिहास लिखे जाते हैं मर्दों से लिखे जाते हैं, और देश के मर्जीवड़े किसान जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा का भी ख्याल करते हैं, और देश का पेट पालने का भी किसान काम करते हैं। ऐसे में अगर सरकार अपने कमाऊ पुत्र किसान को भूल जाएगी तो सरकार को निश्चित ही एक दिन जब बेटे खड़े होंगे, देश के कमेरे खड़े होंगे, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। और सरकार अपना दायित्व अगर निर्वाह सही तरीके से करती तो आज ये स्थिति जो हमें देखने मिली, 700 से अधिक जो हमारे किसान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, वो ऐसा वाक्य ना गुजरता और ना ही इतना बड़ा आंदोलन होता। तो आज निश्चित ही किसानों को मैं अपनी तरफ से और आपके चैनल की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोग जिस सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे उस पर आप खरे उतरे, आप उस प्रकाष्ठा को आपने पूरा किया। और आज देखना यह होगा कि सरकार ने जो किसानों से मसौदा तैयार कर किया है और जो जिस दस्तावेज सरकार ने साइन करके भेजा है, सहमति प्रकट की है, तो अगर सरकार उसे समय रहते पूरा कर दे तो सरकार को ये दोबारा वक्त नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन किसानों ने स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया है। आपके चैनल के द्वारा मैं सरकार को बता देना चाहता हूं, अगर सरकार किसी प्रकार की राजनीति रोटियां सेकने चक्कर में है कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, अन्य 5 राज्यों का इलेक्शन है, उन राज्यों के चक्कर में सरकार राजनीति करने की कोशिश कर रही है, तो सरकार को उसका जो है किसान जो है करारा जवाब देंगे। और यही बात है कि आज किसान जो है खुशी खुशी जा रहा है, राजी खुशी जा रहा है, और सरकार को बता के जा रहा है कि हम जा नहीं रहे हैं, हम आंदोलन स्थगित कर रहे हैं, किसान आंदोलन में मजबूत रहेगा। और संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग है यहीं बॉर्डरों पर 15 तारीख को पुनः रखी गई है। तो सरकार को समझ लेना चाहिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के विकास में और देश के किसान के विकास के लिए सरकार को आगे आना होगा, जो उन्होंने चुनावी वादे किए थे और जो इस वक्त सरकार द्वारा किसानों और
सरकार के बीच में सहमति प्रकट हुई है। जो पत्र सरकार द्वारा हमें मिला है उस पत्र को इस मानसून सत्र के अंदर ही अगर सरकार लागू कर देती है, क्योंकि एक प्रक्रिया जो संवैधानिक प्रक्रिया है और संसदीय प्रणाली है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए, ना किसानों को भूलना चाहिए ना ही सरकार को भूलना। बिल्कुल ठीक है मुकेश, मैं आपके पास आता हूं। हमने देखा बहुत ठीक है, उसका संपर्क मुकेश जी का टूट गया है। मैं स्वामी जी आपके पास ही आता हूं दोबारा वापस। एक बहुत लंबा चौड़ा जत्था है, बहुत काफी किलोमीटर लंबी ये आप कतारें यहां पर हमने देखी थी, सिंघो बॉर्डर हो टिकरी बॉर्डर हो, तो काफी समय भी लगेगा किसानों को अब वापस लौटने में। तो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम तरह की जो चीजें हैं, उनको लेकर क्या वॉलंटियरली ही आप लोग कर रहे हैं या प्रशासन के साथ बातचीत हुई है इस विषय पर? केसर जी, प्रशासन को हमने इतना कहा है कि लॉ ऑर्डर को आप मेंटेन रखें, किसी प्रकार के असामाजिक तत्व इस आंदोलन में ना घुसे, क्योंकि किसान अपने तंडू जो है टेंट जो है तंबू है उखाड़ रहा है और उन्हें सहयोग के ले जाना चाहता है। ये हमारी आंदोलन की धरोहर है। गांव में लोगों ने निर्णय लिया है, जहां जिन जिन गांव से लोग आए हैं, कि अपने गांव के अंदर वो इनके जो है अपना जो इनको टेंटों को ले जाकर वहां पे प्रदर्शनी स्थल बनाएंगे, ताकि अपने आने वाली नस्लों को ये बता सकें कि फसल और नस्ल की अगर लड़ाई लड़नी पड़े, हमें अपने घरों से जब निकलना पड़े, हमें अपने एसी वाले घर सुविधाओं वाले घर भी त्यागने पड़ते हैं, जब मोर्चे लगाने पड़ते हैं, उन मोर्चों पे हम इस प्रकार से सीमित साधनों से बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। ये उदाहरण हमारी नस्लों के लिए बनने जा रहा है और सरकार को समझ लेना चाहिए किसान खाली हाथ नहीं जा रहा है, किसान बुगल बजाकर जा रहा है और सरकार की आंखें खोलकर जा रहा है, कान खोल के जा रहा है। नगाड़ों के साथ आए थे हम 26 नवंबर को दिल्ली की ओर और शंखनाद करते हुए बुगल बजाते हुए हम अपने घरों को जा रहे हैं। अगर सरकार ने समय रहते ये कानून, ये जो किसानों साथ वार्ता हुई है, एमएसपी की गारंटी की बात हुई है, 5 सितंबर 2020 की बात नहीं सरकार को भूलनी चाहिए, जो उत्तर प्रदेश की धरती पे किसानों ने कह डाली है कि अगर एमएसपी नहीं तो वोट नहीं। 5 राज्य के चुनावों में सरकार इस बात को समझ ले, कान खोलकर किसानों ने ये बात पक्की कही है। कभी आप सोचें कि एक पत्थर दे डाला और किसान इस पत्थर के भरोसे घर पड़े रहेंगे और आपको वोट डाल देंगे? एमएसपी नहीं तो वोट नहीं, ये मुजफ्फरपुर की जो नगर की रैली की जो बात है, मुजफ्फरनगर की जो रैली की बात है, वो किसान चितार्थ कर देंगे। तो सरकार को इलेक्शन से पहले पहले आचार संहिता का कहीं बहाना ना लगाए, कोई होर अड़चन ना लगाए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री तो स्वामी जी ये नारा 2024 के चुनाव से पहले देना पड़ेगा। ये नारा तो लोकसभा चुनाव से पहले देना पड़ेगा, क्योंकि एमएसपी तो केंद्र को बनानी है ना सर, राज्य सरकारें क्यों भुगतें इस चीज को? देखिए, कृषि जो है स्टेट का मुद्दा है, ये केंद्र सरकार ने जानबूझ के हस्तक्षेप किया। अब खुद बोल रहे हैं कि जो केस वापस लेने वो स्टेट लेगा, किसानों पर हाथ देगा स्टेट लेगा, वो स्टेट दर्ज करेगा, वो तो स्टेट वापस लेगा। तो केंद्र बिल्कुल बिल्कुल ये ठीक बात है, वो स्टेट ही वापस लेगा, लेकिन कृषि केवल राज्यों का मुद्दा ऐसा नहीं है सर, कृषि केवल राज्यों का मुद्दा नहीं है। और ये बात तो आप भी कंसीडर करते हैं, मैं बताता हूं भाई, जब प्रदेश सरकारों से बात करने की बात आती थी तो आप ही लोग कहते थे ना कि ये कुछ नहीं कर सकते, एमएसपी तो केंद्र को बनानी है, तो धमकी केंद्र को दें, राज्य सरकार को क्यों धमका रहे हैं आप? केशव जी, धमकी नहीं दी जा रही, ये बताया जा रहा है, नहीं चेताना भी है तो केंद्र को ही चेताना है सर। मत लें, अगर ये चुनावी दाव पेच है, अगर चुनावी दाव पेच है, किसान स्पष्ट कर देना चाहता है, आप भले किसी भी मोर्चे पर चले जाएं, आप गाजीपुर बॉर्डर जाएं, आप सिंघू बॉर्डर जाएं, टिकरी बॉर्डर जाएं, शाहजहांपुर बॉर्डर जाएं, पलमल बॉर्डर जाएं, जहां जहां किसान मोर्चे लगा के बैठा है वो एक ही बात कह रहा है कि हमें मालूम है सरकार चुनाव देखते हुए कि जो है इन कानूनों को वापस लिया है और ये बातें सरकार मान रही है। तो कहीं चुनावी दाव पे सिद्ध ना हो तो देश की सरकार को, प्रदेश की सरकारों को ये बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो खुशी का माहौल बना है वो देश में बना रहना चाहिए, जो स्वार्थ बना है वो बना रहना चाहिए, किसानों को अगर सरकार पर विश्वास बना है तो बना रहना चाहिए,
दलगत राजनीति ओछी राजनीति कर ये जो सेतु टूटा है किसान और देश की सरकार के बीच में, ये द्वारा नहीं टूटना चाहिए। इसके लिए 700 से अधिक किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आपके द्वारा लगाई कीलों पर चलकर ये किसानों ने लंबा सफर तय किया है, तो इसे अपनी हार ना माने। कहीं सरकार ये समझ ले कि सरकार किसानों का झुक गई, इसे झुकना मत माने। इसे ये माने कि हमसे जो गलती हुई उसको हमने सुधार लिया, अगर चीज सुधर गई पुनः ना बिगाड़े। ये आपके चैनल के द्वारा मैं अर्ज करना चाहता हूं और सरकार से विनती कर रहा हूं कि आप जो किसानों की बात मानी है समय रहते से पूरा करें, ताकि आपको कोई चुनावी खामियाजा ना भुगतना पड़े। क्योंकि किसान इस बात को उठते समय पक्का कर रहा है कि ये चुनावी दावपेच कहीं सिद्ध ना हो जाए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद स्वामी इंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका सर। तो स्वामी इंद्र, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि सरकार ने जो वादे किए हैं, अगर उन वादों की वादा खिलाफी होती है तो किसान वापस आंदोलन स्थल का रुख कर सकते हैं। लेकिन आज की वो तस्वीर जिसे हर कोई देखना चाह रहा था, लंबे समय से इंतजार कर रहा था, किसानों के वापस लौटने का, आंदोलन को खत्म करने का, धरना स्थलों को खाली करने का, वो तस्वीर जो है आज देश के सामने दिखाई दे रही है। एक बार फिर से वो तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं जब किसान अपने ट्रैक्टर्स पर सामान लेकर वापस लौट रहे हैं और पूरा दृश्य जो है अच्छा खासा वो देखने को मिल रहा है। सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और तमाम उन बॉर्डर्स पर जो जो आंदोलन स्थल हुआ करते थे। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।